गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉन टेक्निकल नॉलेज एंड रॉन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्या है खास आपके लिए, एक्सेल के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कैसे यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अपन एक्सेल की ओर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, यार मैं कल इंटरव्यू देने गया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए, तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आपको ये पूरी लिस्ट दी जा रही है, आपको इस लिस्ट को सबसे पहले नेम और सरनेम को अलग करना है, साथ ही साथ इसकी ईमेल आईडी क्रिएट भी करना है, और एक और काम आपको करना है, ये जो हमने लेटर लिखे हैं अपर केस में, इन सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद तीन चार काम हो गए थे उसको जो करना थे, तो सबसे पहले उसने उसको सरनेम को अलग करना शुरू किया, उसने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करना शुरू किया। इंटरव्यूअर सबसे पहले मुस्कुरा दिया, उसने बोला आप जा सकते हैं, क्योंकि जब वो सरनेम और ये नाम अलग करने बैठा तो उनको समझ में आ चुका था इसको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप एमएस एक्सेल सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिकली इसका नॉलेज होना जरूरी, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट आज है। तो वो मेरे पास आया, उसने बोला भाई ये क्या हो गया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, मैंने सारा थ्योरेटिकल पढ़ा था, मुझे वहां समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना, मुझे लगा वो केवल क्वेश्चन पूछेंगे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करने को दे दिया। तो दोस्तों, कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें, अगर आपको इस लिस्ट को नेम और सरनेम को अलग करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है इस लिस्ट को सिलेक्ट, आपको करेंगे, आप इस लिस्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद आप जाएंगे डेटा वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इसको। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी लिस्ट आ चुकी है, और यहाँ पे आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आपने सेपरेट स्पेस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे स्पेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। फिर वो आपसे पूछेगा क्या आपको नेम और सरनेम को इसी कॉलम के साथ सेपरेट करना है या डिफरेंट कॉलम में सेपरेट करना है। अगर आप इसी कॉलम में सेपरेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इस कॉलम का एड्रेस दिया हुआ है, तो नाम यहाँ रह जाएगा, सरनेम नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, तो आप देखेंगे नेम और सरनेम अलग हो चुके होंगे, देखिए आपके नेम और सरनेम अलग हो चुके हैं। अब आपको करना है इसको लोअर केस में कन्वर्ट, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू लोअर, और आप पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करने वाले हैं, यहाँ से पूरी लिस्ट हमने सिलेक्ट कर ली है और पूरी लिस्ट आपकी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप यहाँ पे करेंगे क्लोज ब्रैकेट, देखिए पूरी लिस्ट सिलेक्ट हो गई है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आपके सारे लेटर्स जितने भी नाम है सब पे सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको करना है सरनेम को लोअर केस में कन्वर्ट, तो आप लिखेंगे फिर से इक्वल टू लोअर, और पूरी लिस्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से पूरी लिस्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया यहां से लेके यहां तक, और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करते ही आपकी जो लिस्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, पूरी लिस्ट आपकी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे अगर अपन को अपर केस में करना है तो आप इक्वल टू अपर लिखेंगे और पूरा लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कुछ इक्वल टू अपर लिख के और पूरी लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जो लेटर है सारे वर्ड जो है वो सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो हो गया अपना लोअर केस अपर केस। अब हमें करना है ईमेल आईडी क्रिएट, तो आप लिखेंगे इक्वल टू कंकेटिनेट, ये होता है आपकी ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए, आप सबसे पहले फर्स्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद आपको लगाना है डॉट, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे डॉट, उसके बाद आप सेकंड सरनेम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एट द रेट जो आपकी कंपनी का नाम है, मैं लिख रहा हूँ रॉन डॉट टेक या रॉन टेक भी लिख सकते हैं, rontech.com, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ये आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो चुकी है, और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपकी सारी ईमेल आईडी आपके पास सामने यहाँ पर आ जाएगी। ये इस प्रकार से छोटा सा काम था जो मेरा दोस्त नहीं बता पाया, क्योंकि उसे थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल ही नहीं था। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रहेगा रिक्वेस्ट कि आप जब भी एमएस एक्सेल सीख रहे हैं आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिए, तभी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इंटरव्यू में अच्छे से पास हो पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।